हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। सब्जेक्ट मराठी, स्टैंडर्ड थर्ड। चैप्टर नंबर 13, आमचा वर्क, आर क्लासरूम। आमचा का मतलब है हमारा, वर्क यानी क्लासरूम, हमारी क्लास। ऐका मना, लिसन एंड से। मी धनु, मी तिसरीत आहे, हा माझा वर्ग। मी धनु, मैं धनु हूँ। धनु एक लड़के का नाम है जो अपनी क्लास के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है मैं कौन हूँ, धनु। उसने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम बताया मैं कौन हूँ। मी धनु, मी तीसरीत आहे, मैं कौन सी क्लास में हूँ, तीसरीत, थर्ड स्टैंडर्ड में मैं हूँ। हा माझा वर्ग, ये मेरा वर्ग, वर्ग यानी क्लास, मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हूँ। आम्ही आमचा वर्ग साफ करायचं ठरवले। आम्ही यानी हमने, आमचा वर्ग, हमारा वर्ग यानी क्लास, साफ करायचं ठरवले, क्लीन करने का डिसाइड किया है। आज हमने हमारे क्लास को साफ करने का डिसाइड किया है। कौन कह रहा है ये, धनु। किससे, अपने सारे दोस्तों से कह रहा है कि आज हमने डिसाइड किया है कि हम हमारा क्लास साफ करेंगे। मी वर्ग उघड़ला, ये लड़की कह रही है मैंने क्लास ओपन किया। एरिना ने खिड़की उघड़ ली, एरिना एक लड़की का नाम है, उसने खिड़की खोली। मनीष ने झाड़ू घेतला, वर्ग झाड़ला, मनीष एक लड़के का नाम है, उसने झाड़ू ले लिया और पूरी क्लास साफ की। चिंपा ने जीना झाड़ला, चिंपा एक लड़के का नाम है, उसने जीना साफ किया। जीना का मतलब होता है सीढ़ी। फरीदा मदन यानी कचरा भरला, फरीदा मदन इन्होंने सारा कचरा डस्टबिन में भर दिया। एक नाथ ने बाके पुसली, कपाट पुसले, एक नाथ ने बाके पुसली, बाके मीन्स बेंच, उसने बेंच को साफ किया और कपाट भी इसने साफ किया। मीना ने फड़ा पुसला, मीना ने ब्लैक बोर्ड साफ किया। फड़ा का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, पुसला यानी साफ करना। खड़ू ने फड़ावर सुविचार लिहला, खड़ू, खड़ू का मतलब होता है चौक, उसने चौक की सहायता से ब्लैक बोर्ड पे सुविचार लिखा। सुविचार का मतलब होता है गुड थॉट्स। काशीनाथ ने दरवाज़ा पुसला, काशीनाथ ने दरवाज़ा साफ किया। सारा वर्ग साफ झाला, पूरी क्लास साफ हो गई। आम्हाला खूप आनंद झाला, और हमें ऐसा करने पर बहुत खुशी मिली। हम हमारे क्लास को भी इसी तरह साफ रखते हैं, हमें गंदगी पसंद नहीं है, इसीलिए क्लास में जब भी हम आए क्लास को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पर धनु ने और धनु के सारे दोस्तों ने पूरी क्लास को साफ किया, और ऐसा करने पर उन्हें बहुत खुशी हुई।
थैंक यू।